Very good afternoon, everyone. As you know, I am Rajesh Guria, Assistant Professor of Mechanical Engineering Department of Delhi Polytechnic. Today, I am going to teach you the introduction of the welding process for the first year electrical students and computer science students. Okay. Actually, इसके जो previous जो भी class में जो भी सुकुमार सर करवाए थे, okay, आज सुकुमार सर के absence में मैं आज ये welding class लेने जा रहा हूँ. Okay, तो cooperate करना थोड़ा सा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को जानना है कि वेल्डिंग प्रोसेस क्या है. तो बिफोर स्टार्टिंग दिस क्लास आई वांट टू नो सम आंसर्स फ्रॉम यू गाइस दैट आप लोग रास्ता में या कहीं कोई भी मैकेनिक शॉप में या कहीं पे भी आप लोग वेल्डिंग करना देख वेल्डिंग करते हुए देखे हो कहीं पे? यस सर दुकान में देखे हैं. तो आप लोग क्या उसमें गौर किए हो कि वो किस तरीके का या किस टाइप का वेल्डिंग था? तुम लोगों को पता नहीं इसलिए तुम लोग बोले इलेक्ट्रिकल वाला, कोई दिक्कत नहीं है. तो बेसिकली ये जो मेरा वेल्डिंग प्रोसेस है, ये वेल्डिंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जो बेसिकली हीट मतलब टेम्परेचर इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर हीट के वजह से या प्रेशर अप्लाई करने के वजह से दो वर्कपीस को या दो मेटल को, भले वो सिमिलर मेटल हो या डिसिमिलर मेटल हो, दो मेटल को ज्वाइन करने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग वेल्डिंग प्रोसेस बोलते हैं. ये वेल्डिंग प्रोसेस फास्ट एरिया है. देखो एक्चुअली वी आर द इंजीनियर्स एंड वी हैव टू नो हाउ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विल बी वर्क at any type of industry. You guys are electrical engineer and computer science engineer. So aap logo ko janna hai welding ka basic ke bare mein. Mechanical wala hota to usko welding ke bare mein bahut vast area janna padta. Lekin aap log electrical stream se ho aur computer science stream se ho to isliye aap logo ko uska basic janna zaruri hai. Because aap logo ko kahan pe lagega, aap logo ka jo application hoga bhale wo electrical ho ya computer science ho, आप लोगों का जो एप्लीकेशन होगा वो होगा सोल्डरिंग. अगर कोई कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, अगर कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर काम करता है, राइट, कंप्यूटर के अंदर का जो इंटरनल पार्ट्स वगैरह होता है उसके ऊपर अगर काम करता है तो उसको एक प्रोसेस के ऊपर थोड़ा सा नॉलेज रखना जरूरी है जिसका नाम है सोल्डरिंग. ओके, जिसका नाम है सोल्डरिंग. ये सोल्डरिंग प्रोसेस जो भी इंजीनियर आप लोग हो वो सोल्डरिंग प्रोसेस हर किसी में जरूरत पड़ता है. एवरीथिंग राइट ये प्रोसेस हर जगह में जरूरत पड़ता है. एक्चुअली क्या है सोल्डरिंग में, क्या सोल्डरिंग मतलब क्या है और वेल्डिंग मतलब क्या है, मैं आ रहा हूँ. तो मैं पहले वेल्डिंग समझाऊंगा कि वेल्डिंग मेरा क्या है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट वेल्डिंग. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वेल्डिंग हमेशा किसके बेसिस में होता है? हीट के बेसिस में होता है और प्रेशर के बेसिस में होता है, जो कॉमन थिंग है हीट और प्रेशर. अगर हम लोग दोनों हाथ को अगर रफ करते हैं, ऐसे करते हैं, क्या क्या महसूस होता है हाथ में अगर हाथ को रफ करते हैं? हीट जनरेट होता है. इसका मतलब गर्मी. जब भी मैं दोनों हाथ को ऐसे करके रब कर रहा हूँ इसका मतलब हम दोनों के हाथ के अंदर हीट जनरेट होता है. ये हीट किसकी वजह से जनरेट होता है? ये हीट फ्रिक्शन के वजह से जनरेट होता है, राइट? तो दोनों वर्कपीस, मान के चलो दोनों वर्कपीस क्या क्या है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ. मान लो ये एक लोहा का कोई ऑब्जेक्ट है, आयरन ऑब्जेक्ट, और ये कोई आयरन ऑब्जेक्ट, ये दोनों को हम लोग को इस तरीके से ज्वाइंट करना है, राइट? तो इस तरीके से ज्वाइंट हम लोग अगर नॉर्मल कुछ कोई चीज में करते, अगर कागज में करते, थर्मोकोल में करते, इवन लकड़ी में करते, तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे ज्वाइंट करने के लिए, लकड़ी में करने के लिए कार्पेंट्री यूज करते हैं, या कोई दूसरा चीज को अगर जब ज्वाइंट करने का चीज आता है तो हम लोग क्या करते हैं कोई गम या कोई ग्लू या कोई फेविकॉल टाइप का कोई चीज से हम लोग इसको सटा देते हैं. लेकिन आयरन या कोई मेटल जो पार्ट्स होता है, मेटल पार्ट्स इस चीज से सटता नहीं है. वो क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए शायद रह सकता है, लेकिन सर्टेन टाइम के बाद वो क्या होता है, टूट जाता है. तो हम लोगों को परमानेंट जॉइंट चाहिए. हम लोगों को कोई चीज को, देखो अगर मैं कोई दोनों वर्कपीस को अगर जैसे ढंग से अगर मैं जॉइंट नहीं करूंगा तो मैं अपना जिस स्ट्रक्चर का मुझे सामान चाहिए
जो स्ट्रक्चर का मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मैं वो स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए, तो मैं ऑब्जेक्ट प्रिपेयर नहीं कर सकता हूँ अगर मैं परमानेंट ज्वाइन नहीं करूंगा। मान के चलते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री में एक रेक्टेंगुलर शेप का वर्कपीस प्रिपेयर हो रहा है, राइट? रेक्टेंगुलर शेप का वर्कपीस प्रिपेयर हो रहा है, तो हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे ये वाला एक पार्ट है ए बी सी डी, ओके? सो ए बी एक रड है, बी सी एक रड है लो आयरन का, राइट? सी डी एक रड है एंड डी ए एक रड, ओके, आयरन का है, ओके? तो अब ये चारों रड को हम लोगों को चाहिए इस तरीके का स्ट्रक्चर, तो हम लोग इस तरीके का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? फेविकॉल से स्टार्टिंग ना, हम लोग को क्या करना है, ज्वाइनिंग करना है, परमानेंट ज्वाइन देना है, क्योंकि ये वर्कपीस इंडस्ट्री में तैयार होने के बाद हम लोग जैसा कस्टमर के घर पे ही जाएगा और कस्टमर उसको यूज करेगा, अगर यूज करने के टाइम पे अगर टूट जाएगा तो वो कंपनी का ब्रांड वैल्यू खराब होगा, है ना? तो हम लोग को परमानेंट ज्वाइन देना है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये वर्कपीस ए बी को एक जगह में फिक्स्ड किया, उसके ऊपर मैंने बीसी को पुट डाउन किया, मैंने बीसी को यहाँ पे पुट डाउन किया, यहाँ पे एक जॉइंट मार दिया, फिर सीडी को मैंने यहाँ पे पुट डाउन किया और सीडी को मैं यहाँ पे एक जॉइंट कर दिया, तो मेरा बीसी बी एंड बीसी पोर्शन फुल्ली फिक्स्ड हो गया। अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ पे एडी को डाला, राइट? और यहाँ पे एक जॉइंट कर दिया, यहाँ पे एक जॉइंट कर दिया, तो मेरा परमानेंट जॉइंट हो गया, फिक्स्ड हो गया ये चीज। तो ये वेल्डिंग, ये जो जॉइनिंग प्रोसेस है, इसको हम लोग वेल्डिंग जॉइंट बोलते हैं, जो बेसिकली हीट द्वारा होता है या बेसिकली प्रेशर द्वारा होता है। क्यों हीट द्वारा होता है, क्यों प्रेशर द्वारा होता है? बिकॉज हम लोग क्या जानते हैं, कोई भी मेटेरियल्स के अंदर, कोई भी मेटल प्लेट्स के अंदर या कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर, अगर मैं अपना ये क्या बोलते हैं इसको, अगर मैं मार्कर पेन को भी अगर मैं हिसाब, मतलब मैं अगर जज करूंगा, तो इस मार्कर पेन के अंदर भी बहुत सारा मॉलिक्यूल्स रहता है। आयरन प्लेट है या आयरन प्लेट के अंदर भी बहुत सारा मॉलिक्यूल्स रहता है। तो मान के चलते हैं कि अगर ये मेरा एक आयरन प्लेट है और मुझे इसी आयरन प्लेट के साथ दूसरा एक आयरन प्लेट को ज्वाइन करना, राइट? तो ये आयरन प्लेट के अंदर सर्टेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कुछ बॉन्ड बना के है, ये सुन है या नहीं? यस सर। बाकी लोग, सब लोगों को समझ में आ रहा है ना ये चीज? कुछ इस आयरन, नो सर, यस सर, सर्टेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बॉन्ड बना के, सर एक बार और रिपीट कर दीजिए ना प्लीज। ये जो मेरा आयरन है, मान के चलते मैं आयरन इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आयरन इज अ वेरी कॉमन ऑब्जेक्ट जहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे से वेल्डिंग कर सकते हैं, ठीक है? तो एग्जाम्पल ले लें कि ये मेरा एक आयरन का प्लेट है, ये मेरा एक आयरन का प्लेट है, मैंने दोनों प्लेट को इस जगह में मुझे वेल्डिंग करना है। तो हम लोग जानते हैं कि हर एक आयरन प्लेट के अंदर बहुत सारा मॉलिक्यूल्स वगैरह रहता है, राइट? और वो मॉलिक्यूल सिंगल सिंगल नहीं रहता है, वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ एक बॉन्ड क्रिएट करके रहता है। तो इस एरिया में भी बहुत सारा मॉलिक्यूल्स रहता है, इस एरिया, इस प्लेट का इस एरिया में बहुत सारा मॉलिक्यूल्स रहेगा, ये सब जगह में भी मॉलिक्यूल्स है, ये सब जगह में भी मॉलिक्यूल्स है। मैं इसको और दिखा नहीं रहा हूँ, मुझे जिस जगह में काम कर रहा हूँ मैं उस जगह के बारे में दिखा रहा हूँ। तो मेरा इस जगह में बहुत सारा मॉलिक्यूल्स है और इस जगह में बहुत सारा मॉलिक्यूल्स, तो मैं जब कोई भी ऑब्जेक्ट के द्वारा या कोई भी डिवाइस द्वारा यहाँ पे जब मैं हीट जनरेट करूंगा, यहाँ पे जब मैं हीट जनरेट करूंगा, तो जब भी मैं हीट जनरेट करूंगा, सो वो हीट बहुत ज्यादा होना चाहिए पहले, क्योंकि वो हीट जनरेट करने से क्या होता है, when we will generate some heat to the object, that time this molecular जो bond है, जो molecules मेरा bond बना के बैठा हुआ है, ऐसे bond बना के बैठा हुआ है ना molecules, तो जब भी मैं heat दूंगा तो ये bond क्या होगा, loose होता जाएगा। वैसे example, अगर मैं यहाँ पे हूँ, मेरे साथ मेरा और एक दोस्त दोनों हाथ पकड़ के बैठे हुए हैं, और उस साइड से मुझे मेरा दोस्त को कोई फोर्स अप्लाई किया, और मुझे इस साइड से अगर मुझे कोई दोस्त फोर्स अप्लाई किया, तो मेरा जो मेरे साथ जो बैठा हुआ था उसके साथ मेरा डिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक सेम चीज यहाँ पे होता है, ठीक सेम चीज यहाँ पे होता है। कैसे होता है कि जब भी मैं कोई हीट अप्लाई करता हूँ, तो ये जो मॉलिक्यूल्स वगैरह जो बॉन्ड बना के बैठा हुआ है, वो बॉन्ड ब्रेक हो जाए होना शुरू होता है। जब बॉन्ड ब्रेक होना शुरू होता है, मॉलिक्यूल्स कभी सिंगल नहीं रहते,
कोई भी मॉलिक्यूल सिंगल नहीं रह पाएगा, वो बॉन्ड जब भी ब्रेक होना शुरू हुआ जो भी मॉलिक्यूल्स बॉन्ड से निकल गया वो मॉलिक्यूल क्या करेगा, दूसरा कोई मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाना शुरू करेगा। तो यहाँ पे बहुत सारा मॉलिक्यूल्स है, मैं अगर कोई भी मॉलिक्यूल को अगर मैं जूम करूंगा, कोई भी एक मॉलिक्यूल को अगर मैं जूम करूंगा, तो मान के चलो ये एक साइड ए वाला प्लेट का मॉलिक्यूल है, ये वाला इस प्लेट का मॉलिक्यूल से जब भी मैं हीट अप्लाई किया सेकेंड फेज में क्या क्रिएट हुआ, मॉलिक्यूल का बॉन्ड टूट जाएगा, मॉलिक्यूल का बॉन्ड टूट जाएगा, राइट। जब मॉलिक्यूल का बॉन्ड टूट गया, इसके साथ इसका बॉन्ड टूट गया, इसके साथ इसका बॉन्ड टूट गया, तो ये क्या कोशिश करेगा, ये कोशिश करेगा या तो इसके साथ या तो इसके साथ या तो इसके साथ फिर मॉलिक्यूलर बॉन्ड क्रिएट करने की कोशिश करेगा, ये वाला मॉलिक्यूल फिर से इसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा या तो इसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। इसी चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हीट अप्लाई करते हैं, जब भी हीट अप्लाई करते हैं मॉलिक्यूलर बॉन्ड जो होता है, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहता है वो मेरा वीक बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, जब भी वो वीक बॉन्ड होता है तो ये यहाँ का मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल के साथ नया बॉन्ड प्रिपेयर करता है और अल्टीमेटली जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो कुछ इस तरीके का देखने में होता है, जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो कुछ इस तरीके का देखने में होता है। बेसिकली यहाँ पे बॉन्ड अपना खुद का बॉन्ड ब्रेक होकर दूसरा मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड क्रिएट करके ये वॉक पीस और ये वॉक पीस एक दूसरे के साथ चिपक जाता है, मतलब एक दूसरे के साथ जॉइंट प्रिपेयर करता है। दैट्स व्हाई वी हैव गिवन सम हीट और वी हैव गिवन सम प्रेशर व्हेन वी आर वर्क डन ऑन बाय द बिल्ड। एम आई क्लियर एवरीवन? किसके साथ बॉन्ड क्रिएट करेगा, दूसरा मेटल का मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्ड क्रिएट करता है और बॉन्ड क्रिएट करके एक परमानेंट जॉइंट हमको दे देता है, दिस इज कॉल्ड वेल्डिंग। अब वेल्डिंग इतना फेमस क्यों है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो नॉर्मल कस्टमर है हम लोग जानते हैं, नॉर्मल कस्टमर मतलब क्या है, हम लोग को कोई भी चीज अगर टूट जाता है या तो कोई भी इंडस्ट्री अगर मैकेनिक के पास जाता है तो वो वेल्डिंग कर देता है, तो वेल्डिंग का जो खर्चा होता है वो बहुत ही कम लगता है, लेस कॉस्ट, बहुत ही कम पैसा में वेल्डिंग का काम होता है। तो इसीलिए देखो जो चीज में कम पैसा लगता है वो चीज कस्टमर द्वारा ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, ये सुन लो, अगर कम पैसा में कोई चीज मिलेगा तो ऑब्वियसली वो कस्टमर ज्यादा अट्रैक्टेड होगा। तो दिस प्रोसेस इज वेरी फेमस और वेरी अट्रैक्टेड बाय एनी टाइप ऑफ कस्टमर और एनी टाइप ऑफ इंडस्ट्री एरिया, बिकॉज इसको करने में बहुत ही कम पैसा लगता है और हीट और प्रेशर के द्वारा हम लोग ये वेल्डिंग कर सकते, ठीक है। अब हम लोग इसको कहां कहां यूज कर सकते हैं, तो इसका जो वेल्डिंग का जो मेन यूज ऑफ पर्पस है दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल कहां का यूजेस, इसका यूजेस कहां पे है, इसका यूजेस है फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मशीन टूल्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मशीन टूल्स मतलब जो कोई भी मशीन में जो हम लोग टूल्स को यूज करते हैं या कोई भी मशीन में जो टूल्स को यूज करते हैं, जैसे लेथ मशीन में अगर बिना हम लोग कोई अगर टूल्स यूज नहीं करेंगे तो लेथ मशीन में कोई काम ही नहीं होगा, तो इसीलिए लेथ मशीन में टूल्स को यूज करके हम लोग काम करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मशीन टूल्स बनाने के लिए यूज कर सकते हैं ऑटो पार्ट्स मतलब ऑटोमोबाइल का एनी कोई भी टाइप का पार्ट्स को अगर हम लोग को प्रिपेयर करना है तो हम लोग वेल्डिंग प्रोसेस यूज कर सकते हैं, साइकिल का कोई पार्ट को अगर बनाना है तो हम लोग वेल्डिंग प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मशीन टूल्स, ऑटो पार्ट्स, साइकिल पार्ट्स, और उसके बाद और क्या कर सकते हैं, फैब्रिकेशन ऑफ एनी इक्विपमेंट फैब्रिकेट कर सकते हैं कोई भी इक्विपमेंट को, कोई भी इक्विपमेंट अगर खराब हो जाता है टूट जाता है तो उसको हम लोग रिकवरी कर सकते हैं, हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं वेल्डिंग प्रोसेस के द्वारा, अगर कहीं पे लीकेज हो गया है तो लीकेज को बंद कर सकते हैं, वेरियस टाइप ऑफ फैब्रिकेशन प्रोसेस विल बी डन बाय दिस वेल्डिंग प्रोसेस। ओके, कोई और भी कॉमन एग्जाम्पल, कोई भी बिल्डिंग प्रिपेयर करने जाओ
ब्रीज प्रिपेयर करने जाओ, शीप प्रिपेयर करने जाओ, एरोप्लेन प्रिपेयर करने जाओ, कहीं भी हम लोग ये वेल्डिंग प्रोसेस को हम लोग यूज करते हैं, राइट? कंटिन्यूअस लड़का घुस रहा है, कहीं भी हम लोग ये वेल्डिंग प्रोसेस को प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद और भी बहुत सारा चीज जैसे रेलवे, रेलवे में यूज कर सकते हैं, रेलवे का जो ट्रैक वगैरह होता है उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं, बॉयलर फर्नेस में यूज कर सकते हैं। बॉयलर फर्नेस मतलब तुम लोग जानोगे नीचा है, बॉयलर मतलब बेसिकली जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को मिलता है ना, जो भी इलेक्ट्रिसिटी वैसे फैन लाइट वगैरह चलता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे जनरेट होता है? कोई भी एक पावर प्लांट का नाम बताओ जो तुम लोग का झारखंड में है, किसको पता है? कोई पावर प्लांट का नाम बताओ। ये सर बोकारो थर्मल, जमशेदपुर स्टील सर। इसके बाद जब मैं कभी क्वेश्चन रेज करूंगा, हैंड रेज करना, उसके बाद आंसर करना, ठीक है? हैंड रेज करना, जिसको बोलूंगा वही आंसर करेगा, ठीक है? तो वेरियस पावर प्लांट्स आर देयर, पत्रापुर पावर प्लांट है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन है, ठीक है, तुम्हारा बोकारो नॉर्थ में जो तुम्हारा प्लांट है, वेरियस पावर प्लांट्स आर देयर। वहां पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बॉयलर यूज करते हैं, टर्बाइन यूज करते हैं, बॉयलर फर्नेस में कोई काम करने के लिए हम लोग वेल्डिंग प्रोसेस का यूज करते हैं, ठीक है? तो ये वेरियस जगह में और भी बहुत सारा है, जैसे रेफ्रिजरेटर में यूज कर सकते करते हैं, रेफ्रिजरेटर को ठीक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, किचन अप्लायंस को ठीक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, किचन अप्लायंस को ठीक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो वेरियस एरिया में इसका एप्लीकेशन, वेरियस एरिया में ये काम कर सकता है, और वेरियस एरिया में रिकवरी करने के लिए इक्विपमेंट को या क्या बोलते हैं, टूल्स को या इंस्ट्रूमेंट को रिकवरी करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वेल्डिंग प्रोसेस को यूज करते हैं, राइट? तो अभी हम लोग वेल्डिंग प्रोसेस, ये मेरा सर समझा दिया कि वेल्डिंग प्रोसेस है क्या, कैसे होता है, कहाँ कहाँ पे इसका यूजेस है। सो इज देयर एनी डाउट? किसी को अगर कोई डाउट है वो पूछ सकता है। एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? नो सर। अगर डाउट रहेगा तो हैंड रेज करो। ओके, सो नाउ आई विल गो टू द सेकंड पार्ट व्हिच इज द टाइप्स ऑफ बिल्डिंग। टाइप्स ऑफ बिल्डिंग, तो टाइप्स ऑफ बिल्डिंग में बहुत तरीके का बिल्डिंग होता है। जैसे तुम लोग अभी बोले कि हम लोग बाहर कहीं पे भी दो टाइप का बिल्डिंग देखो, एक है मेरा गैस गैस आर्क बिल्डिंग और एक है मेरा इलेक्ट्रिक वाला, जो बोले ना इलेक्ट्रिक वाला नहीं होता, इलेक्ट्रिक आर्क बिल्डिंग, राइट? तो टाइप्स ऑफ बिल्डिंग, इलेक्ट्रिक आर्क बिल्डिंग, गैस बिल्डिंग छाड़ा भी बहुत सारा टाइप्स का होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या टाइप्स है? फर्स्ट वन इज फोर्ज बिल्डिंग, फोर्ज बिल्डिंग। Second one is electric arc welding, electric arc welding. Third one is gas welding. Okay, forge welding, electric arc welding, gas welding, seam welding, seam, A-C-A-M, seam welding. TIG welding, MIG welding, MIG welding, spot welding. Okay, देखो seven types of welding process are there. उसके बाद भी और भी बहुत तरीके का welding है, जिसका और एक last जो welding है जिसको हम लोग बोल सकते हैं plasma arc welding. प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, ओके, टोटल एट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग आर देयर, राइट? लेकिन इसमें जो तुम लोग का जानना है, बिकॉज देखो बात है कि फर्स्ट सेमिस्टर का सिलेबस में वर्कशॉप बोल के, वर्कशॉप का प्रैक्टिकल क्लासेस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, राइट? प्रैक्टिकल क्लास में तुम लोग खुद का हाथों से इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग प्रोसेस खुद से कर सकते हो, वेरियस टाइप्स ऑफ जॉइंट प्रिपेयर कर सकते हो, वी शेप, टी शेप, आई शेप, के शेप, इन शेप, वेरियस टाइप्स ऑफ जॉइंट यू कैन प्रिपेयर बाय योर ओन हैंड, ठीक है? बट अब अगर हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं तो हम लोग को थोड़ा सा टाइप्स ऑफ वेल्डिंग जानना जरूरी है,
लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस मैं बार बार बोल रहा हूँ मैकेनिकल होता तो मुझे सब दिखाना पड़ता क्योंकि ये सारा चीज मैकेनिकल है राइट। बट अदर्स डिपार्टमेंट में ये थोड़ा सा जानना चाहिए इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग एंड गैस वेल्डिंग, ये दोनों चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में ये चीज जिसको हम लोग वेल्डिंग नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते इस बात में हम बताएंगे क्यों नहीं बोलते, क्योंकि वेल्डिंग एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है राइट। इट्स वो टेम्परेचर देखो, और भी एक प्रोसेस आता है जिसका नाम हम लोग बोलते हैं ब्रेजिंग, जिसका नाम हम लोग बोलते हैं ब्रेजिंग ओके। सो वेल्डिंग एक सर्टेन टेम्परेचर के मतलब अंडर में आता है, उस कैटेगरी में जितना प्रोसेस होता है उसको हम लोग वेल्डिंग में डिस्ट्रीब्यूट किए, फोर्ज वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, पीक वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग एंड प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। तो ये एक अलग कैटेगरी है, और ये अलग कैटेगरी है और ये अलग कैटेगरी है, सोल्डरिंग इज अनदर कैटेगरी, ब्रेजिंग इज अनदर कैटेगरी, एंड दिस एट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग आर द बिलोंग्स टू द अनदर कैटेगरी ओके। हुआ तो अभी हम लोगों को देखना है फोर्ज वेल्डिंग, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे ये वाला फोर्ज वेल्डिंग देखेंगे, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग देखेंगे एंड गैस वेल्डिंग देखेंगे। तो अगर हम लोगों को कभी वाइवा में या कहीं पे भी अगर पूछा जाता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस आर देयर, सो वी कैन कॉल दैट एट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस आर देयर। फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्ज, इलेक्ट्रिक, गैस, सीम, टीक, मिग, स्पॉट, प्लाज्मा, एंड व्हाट टाइप्स ऑफ सोल्डरिंग प्रोसेस किसको बोलते हैं, ब्रेजिंग प्रोसेस किसको बोलते हैं वो हम बता रहे हैं ठीक। तो अभी हम लोग देखेंगे फोर्ज वेल्डिंग, फोर्ज वेल्डिंग में किस तरीके से काम होता है। सो फोर्ज वेल्डिंग में क्या होता है, बेसिकली फोर्ज वेल्डिंग में दो सिमिलर मेटल प्लेट्स के द्वारा वेल्डिंग होता है ठीक है। सिमिलर मेटल प्लेट्स देखो, एक होता है सिमिलर मेटल प्लेट्स, एक होता है सिमिलर मेटल प्लेट्स, एक होता है डिसिमिलर मेटल प्लेट्स। डिसिमिलर मेटल प्लेट्स का कोई एग्जांपल दे सकते हो, डिसिमिलर मतलब क्या है और सिमिलर मतलब क्या है, एनीबॉडी एनीबॉडी? सर सिमिलर मतलब कि लगभग सेम सेम, और डिसिमिलर मतलब कि उसके जैसा नहीं मिलता जुलता। थोड़ा सा हुआ है, थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में, राहुल बताओ, राहुल हेनरीस क्यों बताओ। सर सिमिलर मतलब एक जैसा सर, और डिसिमिलर मतलब थोड़ा बहुत मतलब उसका जैसा नहीं। मतलब सिमिलर मतलब दो एक ही टाइप का मेटल होगा, अगर मैं आयरन आयरन को वेल्ड करना चाह रहा हूँ तो आयरन के साथ मैं आयरन को ही वेल्ड करूंगा, आयरन आयरन, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम, कॉपर कॉपर, ब्रोंज ब्रोंज, ब्रोंज ब्रोंज, ब्रश ब्रश, ब्रश ब्रश, ओके, ब्रोंज ब्रोंज, ब्रश ब्रश, सिमिलर टाइप ऑफ मेटल। मैं कोई दूसरा मेटल मतलब आयरन के साथ एल्यूमिनियम को मैं वेल्डिंग नहीं करूंगा, ये फोर्ज वेल्डिंग प्रोसेस में नहीं कर पाऊंगा। कॉपर के साथ ब्रोंज को नहीं कर पाऊंगा, ब्रश के साथ ब्रोंज को नहीं कर पाऊंगा, ब्रश के साथ आयरन को नहीं कर पाऊंगा। तो फोर्ज वेल्डिंग का जो मेन कंसिडरेशन या जो मेन कंडीशन है, दैट कंडीशन इज, वन सेकेंड, दैट कंडीशन इज डिपेंड्स ऑन द सिमिलर सिमिलर मेटल प्लेट्स को, प्लेट से हम लोग एकमात्र फोर्ज वेल्डिंग कर सकते हैं। अब सिमिलर मेटल प्लेट्स को हम लोग कैसे लिए, कोई भी एक सिमिलर मेटल प्लेट को लिए, दोनों सिमिलर मेटल प्लेट को हम लोग इस तरीके का लिए ठीक है। अब मान के चलते हैं ये मेरा आयरन है, अब क्या होता है जब भी हम लोग हीट देंगे तो यहाँ का मॉलिक्यूल अपना बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, यहाँ का जो मॉलिक्यूल्स है अपना बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। जब भी अपना बॉन्ड को ब्रेक करेगा और ये क्या होगा, ये प्लास्टिक स्टेज में चल जाता है, ये पोर्शन में, क्योंकि हम लोग हीट कौन सा पोर्शन में दे रहे, हम लोग हीट इस पोर्शन में दे रहे, हम लोग हीट इस पोर्शन में दे रहे। जब हम लोग हीट इस पोर्शन में दे रहे हैं तो इस एरिया में जितना मॉलिक्यूल है वो चल जाता है प्लास्टिक जोन। अब एनी डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लास्टिक जोन, डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लास्टिक जोन, एनीबॉडी एनीबॉडी रेज योर हैंड, किसी को पता है? नहीं पता है तो ओके। देखो जब मैं क्लास कराऊंगा अगर कोई टर्म समझ में नहीं आता है, अगर मैं मान लो बोलना भूल गया वो टर्म्स के बारे में, तो रेज योर हैंड, आस्क योर डाउट प्लीज। ऐसे सर के ऊपर से सर पढ़ा रहे और सर के ऊपर से सारा चीज चल जाएगा ऐसा मत करो राइट।
ओके सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लास्टिक जोन. देखो हम लोग आज के दिन में कोई भी हम लोग आंखों से अगर कोई चीज को देख सकते हैं तो एक चीज है मेरा कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट. जैसे एग्जांपल देखो ये मेरा सॉलिड ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट ये मेरा सॉलिड ऑब्जेक्ट. तो एक होता है मेरा सॉलिड जोन. सॉलिड जोन, सॉलिड जोन मतलब द ऑब्जेक्ट इज सॉलिड स्ट्रॉन्ग. उसके अंदर सॉलिड मतलब उसके अंदर जितना भी मॉलिक्यूल्स है दैट मॉलिक्यूल्स इज क्रिएट अ वेरी क्लोज बॉन्ड. दैट मॉलिक्यूल्स इज क्रिएटिंग अ वेरी क्लोज बॉन्ड और वेरी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर. देख के नहीं लग रहा है कि बहुत क्लोज है एक मॉलिक्यूल के साथ दूसरा मॉलिक्यूल? बहुत ही क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर क्रिएट करके बैठा हुआ है. दैट इज कॉल्ड सॉलिड जोन. सेकेंड जोन जो होता है वो होता है प्लाज्मा जोन. प्लाज्मा जोन, प्लाज्मा जोन एक ऐसा जोन है जहां पे ऑब्जेक्ट का अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स के अंदर बॉन्ड टूटना शुरू हुआ है बट पूरा पूरी तरीके से नहीं टूटा है. वो मॉलिक्यूल्स के अंदर बॉन्ड टूटना शुरू हुआ है बट फुल्ली नहीं टूटा है. इसका मतलब दिस इज नो सॉलिड, नॉट सॉलिड, नॉट लिक्विड. नॉट सॉलिड एंड नॉट लिक्विड जोन. ना इसको हम लोग सॉलिड बोलेंगे ना इसको हम लोग लिक्विड बोलेंगे, हम लोग इसको बोलेंगे प्लास्टिक जोन. प्लाज्मा जोन लिखा होगा प्लास्टिक जोन. प्लास्टिक जोन में क्या होता है, अगर कभी प्लास्टिक को देखे हो, प्लास्टिक को अगर तुम हीट दोगे, प्लास्टिक पहले कैसा रहता है? सॉलिड रहता है. प्लास्टिक बहुत ही पतला थिकनेस का होता है, सॉलिड रहता है. जब भी तुम उसको हीट दोगे वो क्या होता है, क्या होता है वो हीट देने से? पिघलना स्टार्ट हो जाता है. लेकिन मान के चलो थोड़ा सा प्लास्टिक को क्या करते हीट दिए, और हीट मान के चलो मेरे हाथ में एक लाइटर है, मैंने प्लास्टिक को पकड़ा ऐसे करके लाइटर से आग जलाया, तो प्लास्टिक क्या होगा, थोड़ा पिघलना शुरू करेगा. मैं लाइटर को बंद कर दिया तो क्या होगा, उसी जगह में अगर अपना उंगली को देख के डालोगे जहां पे तुम्हारा प्लास्टिक, मतलब डोंट डू इट एट योर होम प्लीज, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ राइट, तो उसी जगह में अगर तुम अपना उंगली को डालोगे तो तुम्हारा उंगली उस प्लास्टिक के साथ चिपक जाता है. चिपकता है ना? जी सर. यस, सर्टेन अमाउंट ऑफ गला हुआ प्लास्टिक वो हाथ में लग जाता है. क्यों लगता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? कभी सोचे हो ये चीज क्यों लगता है? बिकॉज जब भी तुम प्लास्टिक के अंदर जो मॉलिक्यूल्स वगैरह है वो तो है, व्हेन वी आर गिविंग सम हीट मॉलिक्यूल बॉन्ड ब्रेक कर देता है. बॉन्ड ब्रेक करने से बाद ही वो क्या करता है, सॉलिड जोन से प्लास्टिक जोन होते हुए वो लिक्विड जोन पे कन्वर्ट होने की कोशिश करता है राइट. तो जब भी वो सॉलिड जोन से प्लास्टिक जोन पे आता है, अगर उसी कंडीशन में अगर अपना हाथ को वहां पे डालता हूं तो वहां का जो भी मॉलिक्यूल्स वगैरह है वो मॉलिक्यूल्स क्या करता है, वो मॉलिक्यूल्स मेरे हाथों का जो मॉलिक्यूल्स है, मोल्स मॉलिक्यूल्स जो भी वगैरह है मेरे शरीर के अंदर हाथ में, वो क्या करता है, उसके साथ बॉन्ड क्रिएट कर देता है और वो क्या होता है, चिपक जाता है मेरे हाथ के साथ, और उसके बाद उसको निकालने में बहुत तकलीफ होता है. तो इसीलिए कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को जब भी हम लोग हीट देते हैं वो पहले प्लास्टिक जोन में जाता है जहां पे कि नॉट सॉलिड नॉट लिक्विड, उसके बाद वो आता है देन लिक्विड जोन. वो आता है लिक्विड जोन. लिक्विड जोन में क्या होता है, सॉलिड जोन में जो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो कॉम्पैक्टनेस रहता है, कॉम्पैक्टनेस मतलब एक दूसरे के आसपास में इस तरीके से जो रहता है, लिक्विड जोन में वो क्या होता है, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रहता है. बॉन्ड रहता है लेकिन उतना भी कॉम्पैक्ट नहीं है. बॉन्ड रहता है लेकिन उतना भी कॉम्पैक्ट नहीं है. वो सॉलिड जोन, प्लास्टिक जोन, लिक्विड जोन. बॉन्ड रहता है, मॉलिक्यूलर बॉन्ड भी रहता है लेकिन उतना भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं रहता है, या उतना भी कॉम्पैक्टनेस आसपास वाला बॉन्ड उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता है. लिक्विड जोन के बाद एक आता है वेपर जोन. लिक्विड जोन के बाद आता है वेपर जोन. ओके, आस्था सिंह. आस्था. यस सर. So what is soldering? As you have written here, it is soldering. Just after that, you have written the brazing. I will explain. Okay. Asha, can you please share a screenshot to my number? Attendance screenshot. Okay, sir. All right. Okay. Just hold on. Okay, all right.
ओके सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वेपर जोन? वेपर जोन मतलब क्या है कि देयर इज सम मॉलिक्यूल्स. वेपर मतलब क्या है, हम लोग का घर में प्रेशर कुकर है ना, सबके घर में प्रेशर कुकर है ना. जी सर. प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर में क्या होता है, जब हम लोग पानी गर्म करने दिए तो पानी में जब हम लोग हीट करते हैं तो पानी क्या तुरंत बॉयल हो जाता है, सर्टेन टाइम लगता है, दो से चार मिनट पांच मिनट टाइम लगता है, राइट. अब अगर मैं उस टाइम में अगर मैं प्रेशर कुकर का अंदर का कंडीशन अगर मैं देख पाता, वो जो पांच मिनट से प्रेशर कुकर के अंदर पानी बॉयल होगा, पांच मिनट में प्रेशर कुकर के अंदर जो मेरा पानी बॉयल होगा, उस टाइम अगर मैं प्रेशर कुकर का अंदर का कंडीशन अगर मैं देख पाता तो मैं देखता कि सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड वो लिक्विड कंडीशन में ही है और कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड को वेपर बन गया है, लेकिन वो ऐसा वो गैस में नहीं कन्वर्ट हुआ है, वो गैस में कन्वर्ट नहीं हुआ है, वो वेपर में कन्वर्ट हुआ है, मतलब वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हुआ है. और वाटर ड्रॉपलेट्स इतना लाइट डेंसिटी का हो गया है, इतना लाइट इतना हल्का हो गया, वो क्या है कि इस लिक्विड के स्तर को छोड़कर वो ऊपर में घूम रहा है. ये जो जोन है ये जोन को हम लोग वेपर जोन बोलते हैं, जहां पे लिक्विड जोन जैसा मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्डिंग नहीं रहता है, लिक्विड जोन जैसा मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्डिंग नहीं रहता है लेकिन रहता है जरूर. लिक्विड जोन जैसा स्ट्रॉन्ग या कॉम्पैक्ट बॉन्डिंग नहीं रहता है, लेकिन वेपर जोन में बॉन्डिंग रहता है जरूर, लेकिन बहुत ही लाइट बॉन्डिंग रहता है. इसके बाद जो नेक्स्ट जोन है दैट इज गैशियस जोन, दैट इज गैशियस जोन. गैशियस जोन, गैशियस जोन में क्या होता है, गैशियस जोन में जो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो बॉन्डिंग होता है वो बॉन्डिंग बहुत ही वीक बॉन्डिंग, मतलब यहाँ एक मॉलिक्यूल यहाँ पे रहता है, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे रहता है, तीसरा मॉलिक्यूल इस तरीके का बॉन्डिंग को क्रिएट करता है. मतलब गैस के अंदर हमेशा मॉलिक्यूल भागता रहता है, पता नहीं उसके अंदर क्या स्पीड जनरेट होता है, वो गैस के अंदर मॉलिक्यूल हमेशा भागता रहता है. इसीलिए अगर कोई क्लोज्ड वॉल्यूम, कोई क्लोज्ड वॉल्यूम कंटेनर में अगर कोई गैस रहता है और वॉल्यूम मतलब क्लोज वॉल्यूम कोई कंटेनर लिए उसके अंदर कोई गैस है, वॉल्यूम का ढक्कन खोले खोल के बाहर कर दो, तुरंत गैस भाग जाता है, राइट. इसका एग्जांपल क्या है, कोकोकोला, पेप्सी, थम्स अप, मिरिंडा, लिम्का, जितना भी मतलब सॉफ्ट ड्रिंक है, वो सॉफ्ट ड्रिंक का ढक्कन जब भी ओपन करते हो क्या निकलता है, क्या निकलता है गाइस, गाइस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. या कार्बन डाइऑक्साइड इट्स अ गैस, जब भी तुम ढक्कन ओपन किए छस करके कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस को निकल जाता है, लेकिन वो लिक्विड नहीं निकलता है. लिक्विड क्यों नहीं निकल जाता है, बिकॉज लिक्विड के अंदर जो भी मॉलिक्यूलर बॉन्ड का जो स्ट्रॉन्ग जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड था वो मॉलिक्यूलर बॉन्ड लिक्विड को निकलने नहीं देता है बाहर, लेकिन यहाँ पे जो गैसियस जोन के अंदर जो मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड इससे बहुत वीक है. यहाँ का जो बॉन्ड इस जोन का बॉन्ड से बहुत ही वीक है, वो क्या करता है, भागने की कोशिश करता है, इसलिए वो भाग जाता है, बाहर चले जाता है, लेकिन ये बाहर नहीं जाता. तो दिस टोटल फाइव जोन्स आर देयर, सॉलिड जोन, प्लास्टिक जोन, लिक्विड जोन, वेपर जोन, गैसियस जोन. अब क्या होता है, मैं फोर्स बेंडिंग में आ रहा हूँ. ओके, अच्छा क्लास अगर खत्म हो जाएगा तो तुरंत ज्वाइन कर लेना, ठीक है. अब मैं फोर्स बिल्डिंग में आ रहा हूँ, मान के चलते दो सिमिलर प्लेट जो फोर्स बिल्डिंग का मेन कंसीडर्ड मेन कंडीशन, दोनों सिमिलर प्लेट का मॉलिक्यूल्स के ऊपर जब मैं हीट दिया तो हीट के वजह से यहाँ का मॉलिक्यूल क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होना शुरू होगा, सॉलिड जोन से वो कौन सा जोन में आ जाएगा, प्लास्टिक जोन पे आएगा. राहुल बोलो क्या सवाल है. सर अभी आप बोले जैसे कि जो सॉफ्ट ड्रिंक या फिर मतलब कोको कोला ये सब में आप बोले कि जो CO2 निकलता है, तो हम लोग थोड़ा सा चेक कर देते हैं, उसके बाद वो तो साथ में सब निकल जाता है ना सर. चेक करके ऐसे तो मैं बोल रहा हूँ, जब उसको तुम शेक करते हो, जब उसको तुम शेक करते हो तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड के साथ मिक्सडअप हो जाता है, मिक्सडअप होता है. जब मिक्सडअप होता है तब प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जब वो मिक्सडअप होता है तब वही, क्योंकि वो क्लोज रहता है, वो ओपन नहीं रहता. जब तुम उसको ऐसे करके कंटिन्यूअसली उसको जर्क कर रहे हो, शेक कर रहे हो, तो उस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड वो जो गैस था वो गैस लिक्विड के साथ मिक्सडअप होता है और वो क्लोज्ड वॉल्यूम मतलब कोई आप मतलब बंद चेंबर के अंदर वो चीज होता है, तो इसीलिए प्रेशर इंस्टेंट बढ़ जाता है. इसीलिए जब भी तुम उसको ओपन करते हो तो वो क्या करता है, लिक्विड को लेके निकलता है. इसीलिए जब वो लिक्विड निकलता है तब देखोगे
जब वो लिक्विड बॉटल के अंदर रहेगा, मान के चलते थम्सअप बॉटल के अंदर जब लिक्विड रहता है ब्लैक रहता है, लेकिन जब भी वो तुम मिक्सडअप कर लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड जब उस लिक्विड के साथ मिक्सडअप हो जाता है और वो जब प्रेशर में वो बाहर निकलना शुरू करता है तो वो कुछ ग्रे कलर में निकलता है। मैं राइट और रॉन्ग? यस सर, यस सर, राइट सर। अभी क्लियर है? अभी क्लियर है? यस सर, अब क्लियर है। ओके, अभी आते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ का जो मॉलिक्यूल से वो बॉन्ड हल्का का ब्रेक होना शुरू होता है, सॉलिड जोन से प्लास्टिक जोन पे आना शुरू होता है, तो सॉलिड जोन से प्लास्टिक जोन पे आता है, तो इसके अंदर का जो भी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ एक बॉन्ड क्रिएट करता है और बॉन्ड क्रिएट करने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट प्रिपेयर होता है वो फाइनल प्रोडक्ट कुछ इसी तरीके से प्रिपेयर होता है। दिस इज कॉल्ड द फोर्ज वेल्डिंग। ये फोर्ज वेल्डिंग में क्या होता है, दो एक टाइप का मिक्सचर क्रिएट होता है। ये जो मेरा बॉन्ड क्रिएट होता है ना, ये बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस बॉन्ड। होमोजीनियस बॉन्ड, इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस बॉन्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजीनियस बॉन्ड? द मीनिंग ऑफ द होमोजीनियस बॉन्ड इज, क्योंकि ये भी आयरन है, ये भी आयरन है, आयरन का मॉलिक्यूल यहाँ पे भी आयरन का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे भी आयरन का मॉलिक्यूल है, दोनों आयरन मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ वेल्डिंग के वजह से एक दूसरे के साथ बॉन्ड क्रिएट करता है। यहाँ पे दोनों सेम मेटल का और सेम मॉलिक्यूल का बॉन्ड क्रिएट होता है, इसीलिए इस तरीके का बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस बॉन्ड। जहां पे दोनों अलग अलग मेटल का बॉन्ड क्रिएट होगा उस बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे हेटेरोजीनियस बॉन्ड। ओके, यहाँ पे सेम मेटल यूज हो रहा है, ऊपर नहीं दिख रहा सर। अब फोर्ज वेल्डिंग हो जाने के बाद, अच्छा एक मिनट के भी कम टाइम बचा हुआ है, फोर्ज वेल्डिंग हो जाने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा ब्रश शेप हम लोग उसको क्या करते हैं, रब करते हैं इस वेल्डिंग के ऊपर, ताकि जो भी मेरा कैविटी वगैरह है, ठीक है, कैविटी क्या है बता रहे, नेक्स्ट क्लास फिर से शुरू हो जाएगा, तुरंत बताएंगे। कैविटी वगैरह जो है उसमें क्या होगा, थोड़ा सा अगर रफ करेंगे तो जो भी कैविटी के वजह से जो भी मेटल सही ढंग से ज्वाइंट नहीं होता है वो मेटल क्या होता है, टूट के गिर जाता है और मुझे एकदम परफेक्ट वेल्डिंग जॉइंट मेरा क्रिएट होता है, राइट। तो हम लोग को ब्रश से इसको थोड़ा सा रब कर देना चाहिए फोर्ज वेल्डिंग करने के बाद, तो बहुत अच्छे से ये काम करेगा। ठीक है आस्था, तुमने स्क्रीनशॉट भेजे? यस सर, भेज दिया मैंने। ओके, ठीक है। सो अब ये क्लास खत्म हो जाने के बाद तुरंत मेरा क्लास में फिर से ज्वाइन कर लेना। तो ये मेरा फोर्स वेल्डिंग हुआ, मैं और एक बार रिवीजन कर रहा हूँ पूरा प्रोसेस को, थोड़ा सा ध्यान देना, राइट। फोर्स वेल्डिंग क्या है, फोर्स वेल्डिंग का जो फर्स्ट कंडीशन है वो है कि सिमिलर मेटल का जॉइंट होता है। सिमिलर मेटल को हम लोग जब कोई हीट देते हैं, सिमिलर मेटल को जिस जगह में हम लोगों को ज्वाइन करना है उस जगह में जब हम लोग कोई हीट अप्लाई करते हैं तो वो हीट के वजह से ये दोनों सिमिलर मेटल के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स वगैरह जो भी रहता है उसका जो अंदर का जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक होना शुरू होता है। दैट मॉलिक्यूल पोर्शन इज गोइंग टू द प्लास्टिक जोन, राइट, नॉट सॉलिड नॉट लिक्विड जोन, एंड आफ्टर दैट दिस मॉलिक्यूल्स आर क्रिएटिंग अ न्यू बॉन्ड, एक नया बॉन्ड क्रिएट करना को शुरू कर देता है, दूसरा मेटल प्लेट का मॉलिक्यूल के साथ एक नया बॉन्ड क्रिएट करता है। एंड जब भी मोटा मोटी ज्वाइंट हो जाता है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना इसके ऊपर बीच में एक प्रोसेस मैंने बोलना भूल गया था, इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, हैमरिंग करते हैं, इसलिए इसको फोर्ज बोलते हैं। फोर्ज मतलब जहां पे ये फोर्ज टर्म्स रहता है मतलब देयर इज अ एक्शन ऑफ प्रेशर इज रिक्वायर्ड, मतलब फोर्ज वेल्डिंग एक ऐसा वेल्डिंग है जहां पे हम लोगों को हीट भी देना पड़ता है एंड प्रेशर भी देना पड़ता है। हीट एंड प्रेशर बोथ आर अप्लाइड ऑन दिस जॉइंट एरिया
ये पहले आप लोग हीट अप्लाई किए सॉलिड जोन से प्लास्टिक जोन में गया, प्लास्टिक जोन में नया ब्रॉन्ड क्रिएट किया, वो अपने आप में ज्वाइन हो गया। उसके बाद हम लोग उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं हैमर से। जब हैमर से हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर जो भी मेरा बॉन्ड क्रिएट हुआ है वो बॉन्ड एक होमोजीनियस बॉन्ड में क्रिएट होता है। वो बॉन्ड एक होमोजीनियस बॉन्ड क्रिएट करता है, बहुत अच्छे से वो बॉन्ड बैठ जाता है एक दूसरे के साथ और यहाँ पे इस तरीके का एक परमानेंट जॉइंट प्रिपेयर करता है। और इस हैमरिंग हो जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर में बहुत सारा कैविटी रहता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैविटी? कैन एनीबॉडी डिफाइन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैविटी? कोई स्टूडेंट्स, एनीबॉडी डिफाइन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैविटी? नो। यस राज, बोलो राज तिवारी। नो सर। हैंड रेस करना था, अगर नो बोलने के लिए नहीं आया। ओके, कैविटी मींस आयरन पे जो जंग लग जाता है, आई थिंक उसको बोलते हैं ना? नहीं 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 नहीं, आयरन में जंग लगने को नहीं बोलते हैं, राइट? उसको हम लोग दूसरा चीज बोलते हैं। एक्चुअली हम लोग एडवर्टाइजमेंट नहीं देखते क्या टीवी में? दांत में कैविटी लग जाएगा तो ये टूथपेस्ट यूज करो, आपका नमक टूथपेस्ट है क्या? ऐसा होता है ना? ओके, बेसिकली कैविटी मींस क्या है? कैविटी मींस है कि जब आपका मेटल के अंदर जब जॉइंट कर रहे हैं, राइट, ये तो हम लोग हाथ से नहीं कर रहे हैं ताकि वो परफेक्ट हो। यहाँ पे जब हम लोग हीट दे रहे हैं और जो मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड क्रिएट कर रहा है, ये बॉन्ड क्रिएट ऑटोमेटिक हो रहा है, ये नेचुरल फेनोमेनन। इस नेचुरल फेनोमेनन को घटाने के लिए, करने के लिए, हैपेंड होने के लिए, ऑकर होने के लिए, करने के लिए हम लोग हीट देते हैं, राइट? तो जब भी हम लोग हीट देते हैं, ये जब इसके साथ बॉन्ड क्रिएट करना शुरू करता है, बीच बीच में सर्टेन एयर गैप हो जाता है या गैप रहता है बीच बीच में। मान के चलते यहाँ पे मॉलिक्यूलर एक बॉन्ड क्रिएट हुआ, यहाँ पे क्रिएट हुआ, यहाँ पे बॉन्ड क्रिएट हुआ, यहाँ पे बॉन्ड क्रिएट हुआ, यहाँ पे बॉन्ड क्रिएट हुआ। लेकिन जब वो बॉन्ड क्रिएट होने के बावजूद भी अगर ध्यान से देखोगे तो बीच बीच में सर्टेन अमाउंट ऑफ गैप, बीच बीच में सर्टेन अमाउंट ऑफ गैप बन गया है। वो गैप को गैप में देखो कैसे, मतलब तो जो बोल रहे थे कि कैविटी मतलब क्या है कि जब मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल के साथ जब बॉन्डिंग क्रिएट करना शुरू करता है ना, तो वहां पे क्या होता है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर गैप रहता है, गैप रह जाता है। और हम लोगों का एटमॉस्फेयर में एयर है तो कोई जगह में अगर गैप रहेगा तो उसके अंदर एयर घुस जाएगा। तो इसीलिए ये सब ज्वाइंट के अंदर एयर गैप हो जाता है, आई मीन एयर घुस के बैठा हुआ रहता है, तो वो कैविटी क्रिएट करता है। और अगर कोई ज्वाइंट के अंदर कैविटी रह जाता है तो वो क्या करेगा, वो धीरे धीरे, वो जैसे दांत के अंदर अगर कैविटी रहता है तो क्या करता है, वो दांत को धीरे धीरे खराब करता है। वैसे ही अगर इसके जॉइंट के अंदर अगर कोई कैविटी रह जाता है, वो धीरे धीरे ये जॉइंट को खराब कर देगा। जब ये धीरे धीरे जॉइंट को खराब करेगा तो ये जो दोनों जॉइंट है वो जॉइंट क्या होगा, वो जॉइंट क्या होगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, राइट? तो ये इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पहला प्रोसेस हीट देते हैं, मॉलिक्यूलर बॉन्ड क्रिएट करते हैं, उसके बाद हैमरिंग करते हैं होमोजेनियस बॉन्ड क्रिएट करने के लिए, एंड द लास्ट इज हम लोग एक ब्रश है वो जॉइंट वाला पोर्शन में हम लोग बहुत अच्छे से उसको रब कर देते। जब उसको हम लोग रब कर देते तो इसके अंदर जो भी वाला कैविटी वाला पोर्शन है वो कैविटी वाला फिल हो जाता है और कुछ कैविटी वाला पोर्शन का जो एयर है वो एयर निकल जाता है बाहर, जिसके वजह से ये जो फोर्स बिल्डिंग में जो जॉइंट होता है वो बहुत अच्छी तरीके से जॉइंट प्रिपेयर होता है और बहुत अच्छे से ये एक दूसरे के साथ परमानेंटली जॉइंट होके रह जाता है। Am I clear everyone? This force building, am I clear? Yes sir. Yes sir. Do you have any question? Do you have any question regarding force building? Anybody have any question? Yes sir. Rahul, koi question hai? रिपीट की सर, एक बार। नो सर। क्या रिपीट करें? अभी बताए थे। हाँ, जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। बताओ राहुल। देखो, पांच आदमी। ओके, सो दिस इज़ अ फोर्स वेल्डिंग। नेक्स्ट क्लास में जब कुमार सर आएंगे, उनको बोलोगे इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग स्टार्ट करने एंड गैस वेल्डिंग वाला पोर्शन स्टार्ट करने। और जब भी सुकुमार सर मान लो कभी दूसरे समय बिजी हो तो मैं
ये कोई भी क्लासेस जो भी बिल्डिंग या वर्कशॉप का जो भी क्लासेस वगैरह है वो सारा क्लासेस हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? इसको नहीं मतलब जो व्हाट इज सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग, एक्सक्यूज मी सर, मैं आ रहा हूं, ओके ऑलराइट, ठीक है? तो मैं उसको कंटिन्यू करूंगा। अब आते हैं हम लोग सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग। क्या होता है कि वेल्डिंग एक अनदर कैटेगरी है 800 टू अबव, 800 टू अबव डिग्री टेम्परेचर के लिए ये सारे कैटेगरी यूज होता है, फोर्ज, इलेक्ट्रिक, गैस, सिंक, हीट, मिक्स, हॉट, प्लाज्मा। 800 डिग्री से ज्यादा डिग्री टेम्परेचर के लिए हम लोग ये सारा वेल्डिंग प्रोसेस यूज करते हैं। अब ये टेम्परेचर कैसे डिपेंड होता है, मान के चलते कि अगर एक आयरन, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, क्योंकि देखो जब मैं यहाँ पे हीट दूंगा, जब मैं यहाँ पे हीट दूंगा तो इसको मेल्ट होने के लिए या प्लास्टिक जोन पे जाने के लिए थोड़ा गलना जरूरी है, और उसको मेल्टिंग पॉइंट कितना है आयरन का, लमसम 1440 से लेकर 1500 डिग्री के आसपास उसका मेल्टिंग पॉइंट रहता है, तो वो 800 से ऊपर है। कोई भी टाइप का जब वेल्डिंग करते हैं आप लोग इस कैटेगरी में, तो वो 800 डिग्री से ज्यादा डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, जो उसमें मेटल को मुझे गलाने का मतलब है। अगर वो मेटल कोई ऐसा मेटल है जो 800 डिग्री के नीचे वाला टेम्परेचर में वो गल जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कोई भी पार्ट्स हो, जैसे मेरा मोबाइल के अंदर जितना भी सर्किट बनाया हुआ है, हर किसी का मोबाइल के अंदर जितना भी सर्किट बनाया हुआ है, ये कंप्यूटर के अंदर जितना भी सर्किट बनाया हुआ है, कैमरे के अंदर जितना सर्किट बनाया हुआ है, टीवी के अंदर जितना सर्किट बनाया हुआ है, तो जो भी सर्किट बनाया हुआ है वो सब चीज 150 डिग्री सेंटीग्रेड टू 350 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर गल जाता है, मोल्टेन हो जाता है। तो 150 से लेकर 350 है मैक्सिमम 400, 150 से लेकर 350 या मैक्सिमम 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो भी काम होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द सोल्डरिंग। और सोल्डरिंग में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक पार्ट्स, कोई भी एक जगह में, मान के चलो इस जगह में वैक दिखाई नहीं दे रहा होगा, एक सेकंड मुझे साफ कर देते, मान लो इस जगह में दिखा रहे, कोई भी एक जगह में मान के चलो यहाँ पे एक सर्किट है, ये सर्किट में मैं कोई भी एक जगह में मैं वैक को इसके साथ कोई रेजिस्टेंस को मैं कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे फिलर मटेरियल दिया, वहां पे फिलर मटेरियल का जरूरत पड़ता है। फिलर मटेरियल मतलब जब भी मैं यहाँ पे सोल्डरिंग रॉड से हीट करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये हीट कर रहा हूं मैं इस जगह पे, ये फिलर मटेरियल गल जा रहा है, गल गल के इस जगह को फिल कर रहा है। एक फिलर मटेरियल हम लोग देते हैं जहां पे मैं सोल्डरिंग रड को उस फिलर मटेरियल के ऊपर टच कराऊंगा, जब भी मैं फिलर मटेरियल के ऊपर टच कराऊंगा, ये फिलर मटेरियल क्या होगा, मोल्टेन होना शुरू हो जाएगा, मतलब गलना शुरू हो जाएगा। जब वो गलना शुरू हो जाएगा तो वो गल के इस एरिया के ऊपर पड़ेगा और ये इसके साथ चिपक जाएगा। दिस इज कॉल्ड द सोल्डरिंग प्रोसेस, ओके? और ये सोल्डरिंग प्रोसेस इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सीएसी, ये तीन डिपार्टमेंट के लिए हमेशा करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड सीएसी डिपार्टमेंट का स्टूडेंट्स को ये चीज करना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर जो भी स्टूडेंट्स कंप्यूटर हार्डवेयर लेके इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट, जो भी रोबोटिक्स वगैरह या जो भी सर्किट तैयार करना होता है, इलेक्ट्रिकल वाले को जो भी पीएलसी वगैरह में काम करना पड़ता है, तो उस टाइम ये सारा चीज, ये सोल्डरिंग प्रोसेस बहुत अच्छे से जानना जरूरत होता है कि कैसे मैं काम करता हूँ। ये सब चीज मे बी सेकेंड ईयर में, या मे बी जब तुम लोग जाओगे सेकेंड ईयर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में, उस टाइम तुम लोगों को शायद सिखाया जाएगा अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, राइट? और ब्रेजिंग जो प्रोसेस है, ये ब्रेजिंग प्रोसेस होता है 400 डिग्री सेंटीग्रेड टू 800 डिग्री सेंटीग्रेड, 400 से लेकर 800 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर जो मेटल गलता है, उस मेटल में अगर हम लोग कोई प्रोसेस, उस प्रोसेस से अगर वेल्डिंग करते हैं, उस प्रोसेस को ब्रेजिंग बोलते हैं। बेसिकली वेल्डिंग, सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग, ये तीन चीज एक ही है, बट अलग अलग टेम्परेचर के लिए अलग अलग कैटेगरी में बनाया गया है। ज्यादा टेम्परेचर उसको हम लोग वेल्डिंग बोलेंगे, क्योंकि उसमें हेवी मेटल हम लोग ज्वाइन करते हैं। कम टेम्परेचर इसको हम लोग सोल्डरिंग बोलेंगे, क्योंकि वो लाइट टेम्परेचर, लाइट कम होता है, और उस कम टेम्परेचर में कम मतलब लाइट मेटल हमेशा गलता है, एल्यूमिनियम का वेयर, कॉपर का वेयर, राइट? उसके बाद बहुत ही लाइट थिकनेस का जो एल्यूमिनियम का वेयर आता है, ये सब चीज को मोल्ट करने के लिए हम लोग ये सोल्डरिंग प्रोसेस को यूज करते हैं। कोई रेजिस्टेंस, कोई रेजिस्टर है, कोई कैपेसिटर है, उसको हम लोगों को कोई सर्किट में ज्वाइन करना है। मान के चलो मेरा एक सर्किट ऐसे करके प्रिपेयर हुआ है, तो यहाँ पे मुझे एक रेजिस्टर को ज्वाइन करना है, यहाँ पे मुझे एक कैपेसिटर को ज्वाइन करना है, तो ये सब ज्वाइनिंग के लिए हम लोग ये सोल्डरिंग प्रोसेस को यूज करते हैं।
लेकिन और ब्रेजिंग, ब्रेजिंग जब 400 डिग्री से लेकर 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का कोई भी टाइप का ज्वाइंट अगर होता है उसको हम लोग ब्रेजिंग ज्वाइंट बोलते हैं। हमें क्लियर आस्था? सो थैंक यू। एनीबॉडी हैविंग एनी क्वेश्चन? एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन? दे कैन रेज योर हैंड। नो सर। सर बोलो। सर मींस ऐसे वेल्डिंग करते हैं तो वो 800 टू एवव होता है, तो मींस टंगस्टन का करेंगे तो उसमें फोर्ज वेल्डिंग कर सकते हैं क्या? किसका? टंगस्टन का। टंगस्टन बोलकर कोई मेटल नहीं होता, इट्स टंगस्टन। सॉरी सर, टंगस्टन। टंगस्टन या टंगस्टन का जब हम लोग करते हैं, टंगस्टन के लिए हम लोग ऑब्वियसली इस वेल्डिंग प्रोसेस में जाएंगे। अब देखो क्या होता है, एक सिंपल सा बात, कोई मान के चलो कैसे समझा है, मान के चलो इस थिकनेस का कोई आयरन है, थिकनेस दिखाई दे रहा है ना, इस थिकनेस का कोई आयरन है और इस थिकनेस का कोई आयरन प्लेट, समझ में आ रहा है? दोनों का अंदर थिकनेस का डिफरेंस, यस सर। ओके, इस थिकनेस का आयरन को गलने के लिए या इसका कोई भी पोर्शन को अगर मोल्ड करने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, या इस थिकनेस का आयरन का कोई भी पोर्शन को मोल्ड करने के लिए ज्यादा टाइम? सर राइट साइड और लेफ्ट साइड वाले को, लेफ्ट साइड वाला। ओके, जिसका थिकनेस ज्यादा है या जिसका थिकनेस चौड़ा है, तो अभी वो डिपेंड करता है कि मैं किस तरीके का मेटल को जॉइंट कर रहा हूं, राइट? अब अगर एल्युमिनियम का मान के चलो मोटा-मोटा जो प्लेट होता है, अब एल्युमिनियम एरोप्लेन कौन सा मटेरियल का बनता है? एरोप्लेन कौन सा मटेरियल का बनता? बोलो। एल्युमिनियम। एल्युमिनियम। सिलिकॉन। सिलिकॉन एल्युमिनियम मिक्स्ड अलॉय मटेरियल से बनता है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि एल्युमिनियम से कोई चीज बनता है जो बहुत ज्यादा थिकनेस का है, तो उसमें क्या हम लोग सोल्डरिंग करेंगे? नहीं, मे बी वो बहुत कम टेम्परेचर में गल जाता है, लेकिन हम लोग उसमें सोल्डरिंग नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत ज्यादा थिकनेस है, राइट? और सोल्डरिंग में क्या होता है, सोल्डरिंग में जो टेम्पर मतलब अगर मान लो इस पोर्शन में अगर मैं सोल्डरिंग करूंगा तो उसका जो ज्वाइंट होता है वो बहुत कम थिकनेस जोड़ के ज्वाइंट करता है, लेकिन जब वही पोर्शन में अगर मैं वेल्डिंग करूंगा तो वो बहुत ज्यादा थिकनेस जोड़ के ज्वाइंट करता है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा थिकनेस का मैं मेटल को मैं ज्वाइंट करवा रहा हूं। अब सिंपल सोल्डरिंग हम लोग कौन से जगह में करते हैं? सोल्डरिंग हम लोग जहां पे बहुत ही सोफिस्टिकेटेड जगह होता है, सोफिस्टिकेटेड इन द सेंस ऑफ मान के चलो अगर कोई टीवी का अंदर में कोई भी काम हो रहा है, मदरबोर्ड में काम हो रहा है, कंप्यूटर का मदरबोर्ड में काम हो रहा है, कीबोर्ड के अंदर जो सर्किट होता है उसमें काम हो रहा है, अब उसमें अगर मैं वेल्डिंग करूंगा तो क्या होगा, जिस जगह में ज्वाइन करना होगा वो तो ज्वाइन होगा, लेकिन साथ में दूसरा जो चीज होगा वो जल जाएगा। हमें क्लियर? साथ में दूसरा जो भी चीज होगा वो जल जाएगा। तो इसमें क्या है कि मैं सोल्डरिंग तो कर, वेल्डिंग तो कर रहा हूँ, ज्वाइंट तो हो रहा है, लेकिन बाकी चीज मेरा डैमेज हो जा रहा है। तो सोल्डरिंग एक ऐसा चीज है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एरिया में काम करते हैं, सोल्डरिंग करने के टाइम पे बाहर ज्यादा हीट नहीं जाता। सोल्डरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे जब मैं करूंगा तो उसका बाहर एरिया में, बाहर सर्कमफेरेंशियल एरिया में ज्यादा हीट डिसिपेशन नहीं होता है, तो बाहर में साइड में जो भी मटेरियल या जो भी मैटर्स वगैरह रहता है वो सारा चीज में कोई इफेक्ट नहीं आता है। लेकिन वेल्डिंग करने के टाइम, वेल्डिंग का जहां पे हो रहा है उसके आसपास, मतलब अगर यहां पे वेल्डिंग हो रहा है तो ऑब्वियसली इस एरिया को तुम हाथ से टच नहीं कर पाओगे। जब तुम वहां पे हीट दे रहे हो तब तुम इस एरिया को और इस एरिया को हाथ से टच नहीं कर पाओगे, इसीलिए तुमको ग्लव्स वगैरह पहन के आंख में ग्लास लेकर इस तरीके से वेल्डिंग करना पड़ता है। लेकिन सोल्डरिंग करने के टाइम पे उतना कुछ नहीं है, सिंपल एक पतला सा वेल्ड लो और वहां पे जो मेरा टूल्स होता है, सोल्डरिंग रॉड होता है, उसको इलेक्ट्रिक से कनेक्ट करो, ऐसे करके पकड़ो और वायर के ऊपर इस तरीके से बैठाओ, वो धीरे धीरे गलता जाएगा और जहां पे मुझे वेल्डिंग ज्वाइंट करना है उस रजिस्टर मटेरियल को वहां पे बैठा दो, तुरंत ऑटोमेटिक ज्वाइंट कर हो जाएगा। सो सोल्डरिंग इज ओनली फॉर द लोएस्ट टेम्परेचर, ओनली फॉर द लोएस्ट टेम्परेचर लो थिकनेस मटेरियल, और जहां पे बहुत सोफिस्टिकेटेड जगह होता है वहां पे सोल्डरिंग यूज करते हैं। वेल्डिंग एक ऐसा चीज है जहां पे हम लोग बहुत ज्यादा थिकनेस, बहुत ज्यादा बड़ा मटेरियल को ज्वाइंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ओके, कंप्लीट? जी सर। ओके सर। नैंसी प्रिया, ये क्या पूरा नाम है? ये क्या फर्स्ट नेम एंड सर नेम है? नैंसी प्रिया या तुम्हारा और कोई नाम है? नहीं सर, यही नेम है। अच्छा ठीक है। ओके सो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग क्लास। आज का क्लास का जो भी वीडियोस वगैरह है, ये जो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, ये मैं YouTube पे अपलोड करके, जैसे मैं हर क्लास का मेरा वीडियो होता है मैं WhatsApp ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, तो तुम लोगों का ग्रुप में भी
मैं आज का जो क्लास का वीडियो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, राइट, वो वीडियो तुम लोग देख लेना, 1 आवर का वीडियो है, लगभग 50-55 मिनट्स का वीडियो है, वीडियो देख लेना, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना. Thank you everyone for attending class. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, thank you, sir.